हाय एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल आलू की भुजिया, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 15 से 20 छोटे आलू लिए हैं, जिनको हमने छील लिया था, और अब हम इसको इस तरह से पतले पतले लंबे लंबे कट कर लेंगे। जब सारे आलू कट हो जाएंगे, तब हम इसको एक से दो बार पानी से धोएंगे अच्छे से, और इसके सारे पानी को अच्छे से निकाल देंगे। दूसरी तरफ 15 से 20 आड़ी लहसुन की और आधी चम्मच काली मिर्च को हम अच्छे से मिक्सर जार में पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा, तब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तब हम इसमें आधी चम्मच मेथी दाना डालेंगे और साथ में इसमें 4 से 5 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। फिर हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे कि तड़का जले ना। अब हम इसमें कटे हुए आलूओं को डाल देंगे और इसको चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे और गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। जब आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, तब हम इसमें लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और फिर से उसको एक बार ढक के पकाएंगे। 1 से 2 मिनट पकने के बाद उसको खोलेंगे और उसको 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर क्रिस्प होने तक भूनेंगे। क्रिस्पी क्रिस्पी बिहारी स्टाइल आलू भुजिया बनकर के बिल्कुल रेडी है। आप इसको पराठे से खाएं, पूड़ी से खाएं, या बच्चों के लंच बॉक्स में दें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।